तो देखना है यहाँ पर पवन जी जीतते हैं कि भगवान जीतते हैं। जो भी जीतेगा उसे 1000 रुपये का नगद पुरस्कार मिलेगा और जो हारेगा उसे जोलो चिप का उपहार मिलेगा। मतलब अब चालू हो रहा है इसका रिस्पॉन्स। ये देख अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में अंडा करी चावल और तंदूरी लगी हुई है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है अंडा करी चावल और तंदूरी खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अंडा करी चावल और तंदूरी रोटी लगी हुई है। आज हमारा अंडा करी चावल तंदूरी रोटी ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में हमारे साथ भगवान जी बैठ चुके हैं। तो देखते हैं दोनों चैलेंजरों में जो भी विनर होगा उसको मिलेगा 1000 रुपये का नगद पुरस्कार और जो हारेगा उसको खाना होगा जोलो चिप्स। तो देखते हैं कौन 1000 रुपये की राशि लेकर जाता है, कौन जोलो चिप्स खा करके जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जोलो चिप उपहार के रूप में और 1000 रुपये नगद इनाम के रूप में रखा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि पवन जी टाइमर चालू हो चुका है और टाइमर चालू हो चुका है। टाइमर चालू होते ही भगवान जी उठा चुके हैं रोटी की हाई बाइट। तो देखना है यहाँ पर पवन जी जीतते हैं कि भगवान जीतते हैं। जो भी जीतेगा उसे 1000 रुपये का नगद पुरस्कार मिलेगा और जो हारेगा उसे जोलो चिप का उपहार मिलेगा। तो देखना है कौन उपहार की तरफ जाता है और कौन पुरस्कार की तरफ जाता है। बहुत गजब। और यहाँ पर भगवान दीन पूरी तंदूरी को तोड़ तोड़ के ग्रेवी पर रख चुके हैं, उसे एकदम हड्डी को नरम कर रहे हैं। बहुत गजब। और यहाँ पर देखना है कि जीत किसकी तरफ जाती है, पवन जी की तरफ जाती है कि भगवान दीन जीतते हैं। अभी अंडे से कोई छेड़खानी नहीं हुई है, केवल अभी तंदूरी रोटी और सलाद ही खाया जा रहा है, जबकि अब भगवान दीन अंडे को फोड़ चुके हैं। बहुत गजब। आहर देखते ही देखते भगवान दूसरी रोटी को एकदम टुकड़ों में विभाजित कर रहे हैं, जबकि अभी पवन जी सलाद और चावल में ही खेल रहे हैं। अगर भगवान दीन को जीतना है तो थोड़ा सा स्पीड लेकर चलना होगा, क्योंकि जब पवन हाई एक्सीलेटर देते हैं तो इनके आगे अच्छे अच्छे पानी मांगने लगते हैं। तो यहाँ पर देखते ही देखते 2 मिनट का सफ़र टाइमर तय करने वाला है और इस 2 मिनट में अभी दोनों लोगों के प्लेट में एक एक रोटी बची हुई है। बहुत गजब। और अभी यहाँ पर अंडा करी का स्वाद लेते हुए पवन जी चावल अंडा करी और तंदूरी साथ में चल रही है, जबकि भगवान दीन अभी तंदूरी और चावल में ही खेल रहे हैं। तो देखना है कि यहाँ भगवान जीतते हैं कि पवन जीतते हैं। जो जीतेगा उसको 1000 रुपये का नगद पुरस्कार मिलेगा और हारने वाले को एकदम मस्त मस्त जोलो चिप उपहार में मिलेगा। बहुत गजब। उपहार नहीं भैया, पनिशमेंट में मिलेगा। और क्योंकि सब जानते हैं कई बार मैं खा चुका हूँ, जोलो चिप जब भी मिलती है तो पनिशमेंट में ही मिलती है, लेकिन हम उसको उस पनिशमेंट को ही उपहार कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखना है उपहार किसकी तरफ जाता है। अधिकतर जोलो चिप पवन जी से ही प्रेम मोहब्बत रखती है। बहुत गजब। और पवन इस समय हाई बाइट लेना चालू कर दिए हैं। देखना है कि इस हाई बाइट के साथ भगवान कितनी देर चल पाते हैं। अगर भगवान को जीतना है तो हाई बाइट लेकर चलना होगा। अब भगवान जी आ चुके हैं अपने फॉर्म में और सोच रहे हैं कि हम चावल तंदूरी और अंडा करी साथ में लेकर चले, और तंदूरी को पूरी तरह से एकदम टुकड़े टुकड़े करके खा रहे हैं। और अंडे को एकदम मसल चुके हैं। तो देखना है यहाँ पर जीत किसकी तरफ जाती है। और देखते ही देखते भगवान दीन के थाली से इस समय सलाद और अंडा दोनों बराबर बचा हुआ है। बहुत गजब।
3:58 अभी तक तंदूरी दोनों लोगों के पास बची हुई है, और जब तक इस तंदूरी को नहीं हटाएंगे तो ब्रेकर नहीं हट पाएगा आगे जाने के लिए। जबकि यहाँ पर पवन जी के हाथ में बहुत मात्र छोटी बाइट तंदूरी बची हुई है, जबकि भगवान दीन के थाली में तंदूरी काफ़ी बची हुई है। भगवान दीन जीतना है तो थोड़ा और प्लस पॉइंट लेकर चलिए और थोड़ा स्पीड बना के चलिए, नहीं तो जोलो चिप का उपहार आपके पास पहुंच जाएगा। अगर 1000 रुपये लेना है तो आपको स्पीड बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अब जो हार्ड वाला ब्रेकर था वो पवन के हाथ से समाप्त हो रहा है, और हार्ड वाला ब्रेकर समाप्त होते ही आप जीत जाएंगे। और भगवान दीन शायद चावल वाली हाई बाइट के सामने टिक पाएँ। अगर टिकना है तो भगवान दीन आपको अभी भी कह रहे हैं थोड़ा सा स्पीड लेकर ही चलिए, बहुत गजब। और यहाँ पर इस समय तंदूरी रोटी पवन जी के हाथ से समाप्त हो चुकी है। अब तो गए हो सामा। अब देखिए हाई वोल्टेज वाली बाइट चालू होने चल रही है, और अब 100% तय हो चुका है कि जोलो चिप्स खाएंगे तो भगवान खाएंगे। और यहाँ पर जो देखना चाहिए था वो दिख रहा है, मतलब हाई वोल्टेज वाली बाइट पवन जी उठा चुके हैं और बोल चुके हैं कि अब तो गए हो सांभा, मतलब सांभा अब गोली लगने वाली है हार वाली। अब गब्बर का हथियार उठ गया है। आज इस समय देखिए किस तरह जो है पवन जी पूरी तरह से अंडे और चावल को एक में मिक्स कर लिए हैं, और यही होता है जीत के लिए आगे बढ़ने का एक नया रास्ता। और जो हाई बाइट है उस हाई बाइट की इंतजार है, भगवान अगर हाई बाइट नहीं मार पाएंगे तो जीतना असंभव है, और 1000 रुपये इनके हाथ से निकल जाएगा। बहुत गजब, तो देर क्यों कर रहे हो, लगा दो हाई बाइट, हाई वोल्टेज वाली बाइट, मतलब पड़ोसी को देखकर भी एक, जैसे कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, लेकिन यहाँ पर पड़ोसी को देखकर पड़ोसी रंग नहीं बदल पा रहा है। टंकी फूल हो गई क्या यार, बहुत गजब। और देखते ही देखते 6:40 का सफर तय कर चुका है टाइमर, और देखना है कि कितने मिनट कितने सेकंड तक इस चैलेंज को समाप्त करते हैं दोनों योद्धा। बता लिए हो खाएंगे लेकिन जीतेंगे नहीं, हमको लग रहा है 2 अंडा बचा लिए हैं अपना। हाँ घबरा रहे उससे, कहीं खा के दिक्कत ना हो जाए। बहुत गजब, और देखते ही देखते पवन जी के थाली में मात्र 2 बाइट बची हुई है, जबकि अभी भगवान दीन के थाली में काफ़ी चावल अंडा बचा हुआ है, और ये तीनों चीज़ से हारने वाले हैं, मतलब चावल अंडा और तंदूरी, मतलब तीन के तीनों चीज़ से हारने वाले हैं। बहुत गजब, और भगवान दीन पूरी तरह से हथियार को डाल चुके हैं कि ले भैया अब मैं नहीं जीत सकता नहीं, और खाएंगे, खाएंगे। देखते ही देखते पवन जी के थाली में मात्र छोटी छोटी बाइट 2 बाइट बची हुई है, और लग रहा है कि अब 100% जीत पवन जी की तरफ जा चुकी है। और देखते ही देखते 7:54 के इस सफर में हमारा चैलेंज जीत की ओर गया है, वो भी पवन जी की तरफ। आज जोलो चिप्स फाइनली बच ही गया, तो आज बहुत दिन के बाद जोलो चिप्स इनसे दूर गई है, क्योंकि जोलो चिप्स पवन जी से बहुत मोहब्बत करती है, और जोलो चिप्स बचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। बहुत गजब, और इनके लिए यहाँ पर लग रहा है उपहार जोलो चिप्स का, लास्ट वाला चिप्स चैलेंज लग रहा है, तो रिएक्शन देखिएगा आप लोग, ट्राई मत कीजिएगा कि ये बहुत खतरनाक चिप्स होता है। और इस चिप्स को देखकर भगवान दीन पूरी तरह से ओकी बोकी मार के बैठ चुके मतलब पूरे दोनों हाथों को बांध लिए हैं कि भैया हमको मत दो, बहुत ही निरीह निगाहों से देख रहे हैं इस जोलो चिप्स को। तो और जी इनके बारे में क्या कहेंगे जोलो चिप्स खिलाने के पहले, अब देखते हैं अभी खिलाने के बाद ही पता लगेगा क्या रिएक्शन है।
और कैसा लगता है? और सास ऊपर नीचे होने लगी है। और यहाँ पर जोलो चिप्स खुल चुका है। हाँ। और जोलो चिप्स निकल चुका है पैकेट के अंदर से और इनके सामने पहुंच चुका है। तो देखना है कि भगवान दिन पूरा पूरा एक बार में खाना पड़ेगा। हाँ, एक कई बार में खाना है भैया। और यहाँ पर उसको टुकड़ों में तोड़ रहे हैं तंदूरी रोटी की तरह। हाँ। और ये देखिए बड़ा सा मुंह खोल के अंदर कूचिए भैया। हाँ। कूदते रहिए और जोलो चिप्स का मजा लेते रहिए। आँख में जा सकते हैं तो, और मुंह में रख लिया है, अब खा रहे हैं। अभी कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तीखा है कि नहीं है? ज़्यादा तीखा तो नहीं है ना, है ज़्यादा ना है, फिर भी है। हाँ, ज़्यादा नहीं है, कोई असर नहीं पड़ रहा है। ना ना ना, अभी नहीं मिलेगा। और खाते रहिए। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे भगवान बार बार मीठे की तरफ भाग रहे हैं। तीखा, लेकिन इतना तीखा नहीं जितना आदमी सह न सके। हाँ, सह लेंगे ना। हाँ, सही है। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। पड़ रहा है। और हमारे गांव के लोगों में काफी वो रहता है कि इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता तीखे का। अभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एक डेढ़ मिनट खाए भी हो गया है। खत्म मतलब खत्म बोल दिए। खत्म मतलब खा डाले। हाँ, खा डाले, कोई असर नहीं पड़ा है। और पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि मैं जोलो चिप पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। असर ही नहीं पड़ रहा है और इतनी बची हुई है। और उसको भी खाना चाह रहे हैं। इसको भी खा लेंगे। मतलब ये जोलो चिप्स से भी जारी ले जोलो चिप्स से भी ज्यादा खतरनाक चैलेंजर हमारे को आज मिल चुके हैं। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, फिर भी मीठा खाने का दिल तो नहीं कर रहा है। जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो क्या खिला है। अच्छा, तो अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा तीखा लग रहा है। अब तीखा लग रहा है और इनके चेहरे से कुछ पसीना गर्मी रहा है। अब गर्मी भी लग रही है हमको लग रहा है। अब क्या हुआ भैया, भगवान क्या लग रहा है कैमरे में देखिए। तीखा ज्यादा लग रहा है। मतलब अब चालू हो रहा है इसका रिस्पॉन्स। अब जो लोग चुस वाला रिएक्शन, अब आंख में आंसू भी आने लग गए। ये देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से चेहरे पर पसीना, आंखों में आंसू। अब उठा लिए पानी, कह रहे हैं कोई असर ही नहीं पड़ता है। तो अब असर दिखने लगा है भाई, एक मिर्ची जैसा तीखा है। तो इनको मीठा दे देते हैं। हमको लग रहा है कि अब रिएक्शन बिल्कुल पूरी तरह से हो गया है। अब ज्यादा हो गया, अब कह रहे लाओ जल्दी। मतलब हो गया रिएक्शन, हो गया भाई। देखिए तो फिर मतलब ये एकदम छुपाना चाहते थे, लेकिन भाई ये खाना पड़ेगा ना। तो फिर भी भगवान जी आए, हौसला दिखाए, भगवान जी का धन्यवाद करते हैं। और इतना कोई नहीं कंट्रोल कर पाता जो लोग उसको, फिर भी काफी देर तक ये कंट्रोल किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।